आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। निजामाबाद थाना क्षेत्र के कोलपुर ग्राम में ब्राह्मण परिवार पर हुए जानलेवा हमले को लेकर अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन SDM गुरु प्रसाद को सौंप कर न्यायपूर्ण व निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की। सौंपे गए ज्ञापन में प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेश दुबे जाफरपुर ने आरोप लगाया कि पीड़ित कोल्हापुर गांव निवासी बलदेव शुक्ला की शिकायत पर राजनैतिक व जातिगत दबाव में पुलिस प्रशासन उचित कार्यवाही न करते हुए मामले की लीपापोती में लग गया है। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार के महिलाओं व बच्चों को बर्बरता पूर्वक पीटा गया, जो मानवता को तार तार करता है। गंभीर रूप से घायल पीड़ितों के सिर पर चोटों के मेडिकल रिपोर्ट में छिपा कर मामले को दबाने के प्रयास जिला प्रशासन की संवेदनहीनता को दर्शाता है। महासभा यह मांग करता है कि पीड़ित परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए, सही FIR दर्ज कराकर निष्पक्ष व न्यायिक जांच कराते हुए न्यायपूर्ण कार्यवाही की जाए। घायलों के चोटों का पुनः चिकित्सीय परीक्षण मेडिकल बोर्ड गठित कर कराया जाए। हमलावरों को तत्काल गिरफ्तार करते हुए कड़ी कार्यवाही की जाए, ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे। शासन के मनसानुरूप कार्य न करके जातिगत भाव से कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं एवं अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए, जिससे सामाजिक समरसता कायम रहे। अगर मामले में न्यायपूर्ण कार्यवाही नहीं की गई तो महासभा सड़क पर उतरकर आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। इस दौरान प्रदेश संरक्षक सुभाष चंद्र तिवारी, कुंदन राम प्रकाश तिवारी एडवोकेट, प्रदेश महामंत्री गगन कांत दुबे, कृपा शंकर पाठक, बहादुर चौबे आदि मौजूद रहे। इंडिया पावर न्यूज के लिए आजमगढ़ से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सरोज की। हमारा नाम ब्रजेश कुमार दुबे है, हम प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा से। निजामबाद थाना अंतर्गत पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम आज DM साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देने आए थे, जो आज DM साहब के न रहने पर ADM साहब को हमने यह ज्ञापन दिया है और न्याय की अपील किया है। मामला कुछ नहीं था, उसको तूल पकड़ा गया है यहाँ के कुछ छोट भैया राजनीतिज्ञ नेताओं की वजह से, और दबाव में आकर के शासन और प्रशासन उनको न्याय नहीं दे रहा है। पीड़ित परिवार जो है, हम ब्राह्मण परिवार के पास आया, शासन प्रशासन के पास, सबके पास गया, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला। हमने पीड़ित परिवार को न्याय, उनको जो है न्याय मिले, उस पीड़िता को जो है सही मेडिकल रिपोर्ट मिले, और जिसने दबंगई से उनके साथ अत्याचार किया उनके ऊपर FIR दर्ज हो, उनको सजा मिले।